السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا تداوى قال نعم فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علم علمه من علم وجهله من جهل رواه الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أفرارا من قدر الله فقال نفر من قدر الله إلى قدر الله متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام تعريف هر قسم كبرائي और किबरियाई उस पाक अकमकमिन रहनिम गफ़ूर सित्तिर जब्बार के लिए है जो अल्लाह तबार को ताला कायनत का अकेला रब अकेला महबूद अकेला रजक है जिसके हाथ में शिफाका मिला है बीमारियों को दूर करता है दुआओं को कबूल करता है इंसान को अमन आफियत में रखता है सुबह अल्लाबमा शान सुबहन उबी सुबहन अल्लाम अनगिनत बेशुमार महदूद सलाम हो सलात हो प्यारे नबी इमामबिया महमदुर रसोल्ह सल्लास की दात ग्ररामे पर जिन्होंनेबाब अपना कर अल्लाह की ज़ात पर तोक्ल करने की अपनी उम्मत को तालीम दी खुद रहे, व तवक्ल रहे मजीद अल्हबारमद

वो है कोरोना को दूर करने में सऊदिया की ख़िदमत जैसा कि आप जानते हैं अल्लाह के फ़द्ल करम से ये मुल्क जो ममलकत अरबिया सऊदिया है, है तोहद का मुल्क है अक़ीदे की तालीम देने वाला मुल्क और अपने बाशिंदों की खैर चाहने वाला मुल्क तो इस मुख्तसर से ख़ुदबे में दो अहम चीज़ें बयान की गई हैं नंबर एक ये जो पिछले तकरीबन एक साल से भी एक साल से एक वायरस फैला हुआ है कोविड नाइनटीन या कोरोना जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान दुनिया में हुआ तो इसको दूर करने में अपने मुल्क के लोगों को यहाँ के बाशिंदों को यहाँ के मुकमीन को बचाने में सऊदी अरब की जो अवीम खदमांत रही हैं उनका तस्करा और ये क्यों इसलिए कि रसूलुल्लाह रसूल फरमाते हैं ला यश्कुरास ला यम जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शिक्र नहीं होता हैदी है एक तो ये बात बयान की गई दूसरे ये कि खबरें जो होती हैं खबरें जो आती हैं उसमें सही भी होती हैं गलत भी होती हैं खबरों को उनके सही सोर्स से हासिल करना चाहिए सही सोर्स से जो है खबरों को हासिल करना चाहिए इस पर भी तवज्जो दिलाई गई है आइए खुलासा आपके सामने पेश करूं बीमारी होती है इसका किसी को इनकार नहीं है इब्राहिम ने कहा था वह वीदा मर तुफ यशवीन जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा रब मुझे शिफा देता है दुनिया में इंसान की ज़िंदगी में मुख्त के अमराद बीमारियाँ वाक़ होते रहती हैं शरीयत इस्लामिया ने दवा करने का इलाज करने का हुक्म दिया इलाज करना सही इलाज सही दवा ये जायज़ है शरीयत में इसकी दलील काफ़ी रिवायतें काफी नसूस रिवायते हैं, हैं। उनमें से एक हदीस है जो मुसिद अहमद की हदीस है एक आराबी एक बदू अल्लाह के नबीसलम के पास आया और आकर उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह अन हुआ अय अल्लाह के सल्लम क्या हम दवा करें मतलब इलाज करें दवा इस्तेमाल कर सकते हैं तो प्यारे नबीम फरमाया नाम जी हां इजाजत दी दवा करने की इलाज करने की उसके बाद फरमाया ला लहु शिफा दुनिया में अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी या कोई बीमारी ऐसी नहीं रखी अल्लाह ने कि जिसकी दवा ना उतारी हो जिसने जाना उसने जाना जिसने नहीं जाना उसने नहीं जाना इस हदीस को इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने अपनी मुसंद में लाया इस हदीस से दो बातें मालूम हुई बल्कि तीन बातें इस हदीस से हमें मालूम हुई नंबर एक इस्लाम में दवा और इलाज जायज है और यह तवकुल के खिलाफ नहीं है नंबर दो हर बीमारी की दवा है क्या फरमाया मुसल में अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी कोई भी कोई भी कैंसर एड्स कोई भी किसी भी किस्म की बीमारी मान लो कहते हैं ना कि ये ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है अच्छा वो क्या हो शुगर के बारे में बोलते हैं लोग मशहूर है ना बात कहते हैं शुगर का कोई इलाज नहीं है दुनिया में प्यारे नबी नबीम फरमाते हैं कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज ना उतारा हो लाने। जिसकी दवा ना उतारी हो तीसरी बात जो बड़ी अहम है और वो ये जिसने पहचाना दवा उसने पहचाना जिसने नहीं पहचाना उसने नहीं पहचाना आप देखें बहुत सारी बीमारियां माजी में हमारे जो असलाब हैं, उनकी ग में वो बीमारियों का इलाज नहीं पाया गया मतलब नहीं पहचाना गया इलाज तो था दुनिया में हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज है जिसने जाना उसने जाना जो आपने फरमाया तो पहले के लोग तहकीक नहीं किए पता नहीं हुआ भाई ये बीमारी ऐसी होती थी कि जिसका कोई इलाज नहीं होता था बाद में उन बीमारियों का इलाज पता किया पता कर, पता किया गया या मालूम किया गया और इलाज होने लगा आप जानते हैं इस बात इसको अच्छी तरीके से तो कोरोना का भी इलाज अल्हम्दुलिल्लाह आया वैक्सीन आ गई जैसा कि पता है आपको और अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में सऊदी अरब की पेशरफ हुई या सऊदी अरब की अच्छी खिदमत हुई है हजारों की तदाद में लोगों ने अब तक वो वैक्सीन यूज की है और उसके बारे में तहकीक भी की गई यहां मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानब से कि इस वैक्सीन में किसी किस्म का दर नहीं है इस वैक्सीन में गलत किसी किस्म का नुकसान या परेशानी वाली कोई बात नहीं है इसकी भी मुकम्मल तहकीक कर ली गई है इलाज दो किस्म का होता है एक बीमारी वाक होने से पहले कि आप दुनिया में है बीमारी आप अपने आप को उस बीमारी से बचाना चाहते हैं कि आपको ना लगे वो बीमारी ये एक इलाज होता है नंबर दो बीमारी आ चुकी है आपको लग चुकी है आप उसमें मुब्तला हो चुके हैं उसके बाद इलाज करना वाक होने से पहले वाक होने के बाद और दोनों चीजों में शरीयत हमें इसकी इजाजत देती है अभी जो हदीस मैंने पढ़ी थोड़ी देर पहले पहली हदीस दवा इजाजत जो अल्लाह के नस्लिम ने दी कि बिल्कुल दवा कर सकते हैं इलाज कर सकते हैं तो इलाज दोनों किस्म का इलाज उसमें आ जाएगा वाक होने से पहले वाक होने के बाद तो पता है बीमार हो गया आदमी तो इलाज करेगा अपना जायज़ है तो पता है दवा लेगा जो भी उसके जो है जो ज़राए वसायल हैं कि जिससे उसकी बॉडी में या उसकी जिसम में जो बीमारी आ गई वो कैसे दूर होगी ये तो पता है आपको वाक़ होने से पहले भी अमरब ने खतारत का एक वाको बुखारी मुस्लिम का वाक़ है वो वाक़ खुदबे में पेश किया गया जिस पर गौर करने से हमें मालूम होता है ये बात कि एहतियात बरतना बीमारी के से बचने के लिए जैसे वायरस है अभी कोविड नाइन्टीन इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इस सिलसिले में पूरा साल गुजर गया आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब की कितनी इसमें खिदमत हुई है। मैं मुतरजम हूं मैं मैंने कितने तर्जमे किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ऑर्डर्स के बादशाह के ऑर्डर्स के और जो है जारत दाखिलिया के ऑर्डर कितने ही तर्जमे हमने किए हैं यहाँ नहीं ये यह तो तर्जमा है ये तो खुदबे का तर्जमा है इसके अलावा भी तर्जमे और आपको पता है इस सिलसिले में क्या इकदाम क्या एहतियाती तदाबीर ममलका अरबिया सऊदिया ने की है जिसका अल्लाह के अल्लाह के फजल से और अल्लाह की तोफीक से और अल्लाह की मदद से जो आप देखते हैं कि मास्क के बगैर नहीं निकलना या शुरू से आप अप, याद करें आपको मालूम होगा पूरा साल जो है लॉकडाउन किया गया उसकी भी वजह यही थी कि ये बीमारी ना फैल जाए ज्यादा नुकसान ना हो इसका लॉकडाउन किया गया फुल लॉकडाउन या थोड़ा लॉकडाउन किया गया फिर उसमें भी जरूरतमंदों के लिए जो है तसारी का आ, मामला पेश आया भाई लोगों को जरूरत पड़ती है जाकर जा बाहर से चीजें लाने के लिए उसके लिए तसरी हुई बाकायदा हमने भी ली आपने भी ली होगी बाहर निकले कुछ घंटों के लिए और अपनी जरूरी अशिया जिससे जो है खाने पीने वगैरह की अशिया है वो खरीदी गई ये सब खिदमत है इसके अलावा भी फ्री इलाज जिसको दुनिया ने माना चाहे आप लीगल हैं यहां इलीगल हैं याद है ना ये सब आप लीगल हो आप इलीगल हो अल्लाह अब से जो ऐलान हुआ था ये बहुत बड़ी खिदमत है कि आदमी डरे ना जाए फौरन इलाज करा ले अपना अगर वो समझता है कि उसके अंदर सिस्टम पाए गए या वो जो है वो कर ले क्या कहते हैं तहकीक कर ले कि वाकई वो मुबतला है इस मर्ज़ में इस वायरस में या नहीं अगर है तो उसका इलाज नहीं हो तो भी एहतियाती तरह ये ये खिदमत है अजीम खिदमत कि डर और खौफ के बिना आदमी जाए और कितने लोग गए और जिन्होंने जो है अपना इलाज कराया और इसबाब भी अपनाए तो ये अल्लाह का फदल है अल्लाह के करम के बाद इस मुल्क की खिदमत हैं इसमें कोई शक नहीं है जो माने क्योंकि एक हकीकत होती है ये दिन है भाई कोई बोला नहीं मैं नहीं मानता दिन तो उसका अपना मसला होता है कि वो कहता मैं नहीं मानूँगा कि ये दिन है मैं नहीं मानूंगा कि एक अल्लाह की इबादत की जाए मैं नहीं मानूंगा कि ये दिन सच्चा इस्लाम दिन है।, है ना दुनिया में ऐसे काफी जो कहते हैं हम नहीं मानते इस्लाम सच्चा दीन है मिसाल दे रहा हूँ समझने के लिए एक हकीकत होती है कोई मानता है कोई नहीं मानता है हकीकत का मुनकिर उसका अपना मसला है लेकिन हकीकत तो हकीकत, हकीकत है जिसको फैक्ट इज फैक्ट बोलते हैं तो हकीकत हकीकत है और हकीक बयानी ये जो है शरीय हमें इसकी इजाजत देती है और कहती है कि हक कहो सच कहो हक कहो अगरचे तुम्हारे रिश्तेदार क्यों ना हो उमर इब ने खत्ता रख दिया तो उनके जमाने में आप देखिए उनके दौरे खिलाफत में जब वो निकले थे मुल्के जानिब खबर आई जो कि सही खबर थी कि शाम में ताउन, बीमारी फैल चुकी है उन्होंने मशवरा किया साहबा से रबी अल्लाहन सबसे अच्छा मशवरा उनको यही लगा कि वापस मदीना लौट जाए क्योंकि बड़े बड़े सा, आपके साथ शाम में बीमारी फैल चुकी है वहां ना जाएं जाएंगे ये बीमारी लगकर लोगों की मौत वाकई हो सकती है जो बड़े बड़े आपके साथ साहबा रजी अल्लाह शामिल हैं इस सफर में इस मशवरे को उन्होंने सही देखा और एक बेहतरीन इकदाम उठाया कि हम वापस वापसी का ऐलान कर दिया कि मदीना वापस जा रहे हैं बाद लोगों ने कहा कि अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं आप क्या मतलब यानी मुकद्दर में अगर ताउन लगना है तो लगेगा नहीं लगना है तो नहीं लगेगा तो चले ना सफर मुकम्मल करें अपना चले शाम को बाल लोग कहते हैं है। शरीयत को समझना है, आज ही मैंने में कहा था बड़ा है शरीयत का कि आप अल्लाह के दीन को सही समझें आज जो दीन की खराबियां हो रही है ना चाहे अकीदे की खराबी इबादत की खराबी मनहज की खराबी मामला की खराबी इसकी एक वजह क्या है अल्लाह के दीन को सही नहीं समझा गया है तवक्कुल का क्या मतलब है तवक्कुल का यह मतलब है कि आप अपने आप को जो है कुएं में डाल दें एक जगह बीमारी है आप जाएं वहां जाकर जो है उसमें जो है शरीक हो जाए वहां पर उसके करीब हो जाए ताकि वो लग जाए बीमार और तवक्कुल अल्लाह है कोई कहेगा भाई मैं आग में हाथ डालूंगा अल्लाह पर तवक्कुल है तो इसने तवक्कुल समझा ही नहीं है ये जहालत है ये इसने तवक्कुल नहीं समझा है तो बहरहाल उमर ख़त्ताब मुकदर किया बल के शाम में ताउन आ गया हम अल्लाह की, 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 की तकदीर से, से, से अल्लाह की, की तकदीर की तरफ जा रहे हैं ये जवाब उन्होंने बड़ा प्यारा दिया नबी फरमाते हदीस में कोड़ वाला जो बीमार होता है ना उससे ऐसे भागो जैसे तुम शैतान को देखकर भागते हो मतलब दूर हो जाओ और ऐसे एक ऐसे ही मर्ज का एक आदमी था मुब्तला नबीलाम के हाथ पर बैत करने के लिए वो आया तो नबी नबीलम ने जबानी बैत की हाथ नहीं मिलाया जबानी बैत की हाथ नहीं मिलाया जबकि नबी नबीलम हाथ मिलाकर हाथ पर बैत करते थे लेकिन उस आदमी से चूंकि उसके हाथ में बीमारी थी आपने जबानी बैत की हाथ नहीं मिलाया से मालूम होता है तवक्ल अल्लाह का मतलब क्या है एहतियात करना असबाब अपनाना ये तवक् में से इसमें कोई शक नहीं है और इंसान बीमारियों से बचने के लिए हर किस्म का जो जायज शर् इलाज होता है उसको अपनाए और इस जमाने में जो ये कोरोना वायरस की जो बीमारी फैल गई इसमें हुकूमत सूदिया इस ने जो खदमात अंजाम दी हम उनके शुक्रगुजार हैं और मैंने हदीस पढ़ी आपको याद होगी कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता एक आदमी ने आपके साथ अच्छा किया एक इंसान ने आपके साथ भला किया इस मुल्क ने हमारे साथ भला किया फ्लैट क्यों रोके गए ताकि जो है लोग ना आए दूसरे मुल्कों से जहां बीमारी ज्यादा फैल गई है और यहां आकर हम लोगों में वो बीमारी ना फैल जाए हम लोगों को रोक दिया गया जाने से क्यों ताकि आपकी सेहत बची रहे आपकी हिफाजत हो ऐसे बहुत सारे इकदाम किए गए हैं जिसकी अपनी जगह एक फहरिस्त है एक तफसर है तो यकीन ये काबिल तशक् चीज है और शरीयत हमें कहती है कि लोगों का शुक्र अदा करो जिन्होंने तुम्हारे साथ भलाई की है तो आप अल्लाह का भी शुक्र अदा करोगे और इसके अलावा जो वैक्सीन आ चुकी है उसके बारे में भी बताया गया है जिससे जो है फ़ायदा हुआ है और फायदा हो रहा है और यकीनन जो है इसमें किसी किस्म की कोई ज़र्र या कोई ऐसी बात नहीं है जिससे नुकसान होगा जैसे कि कहते हैं कि इससे जो है ये जिसम में डी खत्म हो जाता है इस किस्म की जो खबरें आई हैं तो उस सिलसिले में भी एक अहम बात बताई गई है और वो ये है कि खबरों का जहां तक ताल्लुक है तो खबरें सही जराए से भी आती हैं सही सोर्स और खबरों का गलत सोर्स भी होता है खबरें दोनों किस्म की होती हैं इंसान को चाहिए कि इंसान सही खबर की तहकीक करे सही जराए से सही सोर्स से खबर को हासिल करे और जबान इंसान के जिस्म में सबसे ज्यादा हरकत करने वाला उर्दू है पाठ है ये जबान इंसान इसका इस्तेमाल सही करे तो इसके बड़े फायदे उसको होंगे और बहुत ज्यादा जो है नफा में वो होगा और अगर इसका इस्तेमाल गलत कर लिया जाए तो ऐसी सूरत में ये जबान इंसान को हलाक कर देगी ये जबान इंसान को बर्बाद कर देगी लोग जो है मैं कहता हूँ आप देखिए खास सोर्स इस मुल्क को लेकर यह मत समझें कि मैं मुझे बोला गया है कैसे बोलूं बोलूँ ऐसे कुछ बात नहीं है मैं अपनी एक बात अहम तरीन बात आपको बताऊं कि मैंने जो मैं यहाँ जितने सालों से हूं एक चीज मैंने देखी है कि सऊदी अरब को लेकर बहुत ज्यादा जो है जबान इस्तेमाल की जाती है सऊदी अरब के मामलात को लेकर हुकूमत के फैसलों को लेकर बहुत ज्यादा जबान का इस्तेमाल इंसान करता है पहली बात क्या आप जो है इसके जिम्मेदार हैं आपको बोला गया है अल्लाह ताला की तरफ से आपको हुक्म है कि आप बोलो बोलो आप बयान करो नहीं है क्या क्यामत के दिन पूछा जाएगा कि आपने क्यों नहीं बोला आप क्यों खामोश रहे इस सवाल का जवाब आप तलाश कर लें अपने अंदर एक दूसरी बात आपके कानों तक जो खबर लाई गई है जो खबर पहुंचाई गई है क्या वो खबर सही है जिसको सुनकर आप बोलते फिर रहे हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा ये हो गया वो हो गया पहली बात सुनना कहां से सुने आप फासिक से सुने तो छोड़ दीजिए तहकीक कीजिए लेकर आए तो उसकी सऊदी अरब जो है, एक बिचारा एक ऐसा मुल्क है। कुफार तो दुश्मनी है उनका अपना मसला है शिरक करने वाले भी जलते हैं हसद करते हैं क्यों क्योंकि यहां शिरक नहीं है तो है इसके अलावा भी जलने वाले हसद करने वालों की लंबी फहरिस्त है कई वजुहत है उसकी इसकी कई वजुहत हैं वो हमें बताना नहीं है बोलना ये है मेरे भाई अपनी जबान की हिफाजत करें जो खैर है खैर बयान करें जो आप नहीं जानते वो मत बोलें आप बोलेंगे फरिश्ता लिखेगा फरिश्ता लिखेगा कल आपको उसका हिसाब देना होगा आपने क्यों बोला आदमी कुछ भी बात आप चाहे मुल्क के बारे में बोले किसी पर्सनैलिटी के बारे में बोले किसी औरत के किसी बच्ची के बारे में बोले किसी के बारे में बोलें आप जो भी बोलते हैं ना फरिश्ते नोट करते हैं उसको हिफाइन है इसीलिए जरूरी है शरीय ने बड़ी ताकीद की है जबान की हिफाजत करो जबान की हिफाजत करो इस सिलसिले में जो हदीफ तिरमिदी की सही रिवायत हदीफ साहब ने पेश की है मुआद बिन जबल रजी अल्लाह की क्यों इसलिए जो है जबान से दीन की हिफाजत होती है जबान से बदन की हिफाजत होती है जबान से मुल्क की वतन की हिफाजत होती है ये जबान ऐसी चीज है वाहन जबल रदील अच्छा एक और एक बात जुमला बड़ा अच्छा है ये जबान है छोटी लेकिन इससे बड़े बड़े काम हो जाते हैं इस जबान छोटी जबान है ये लेकिन इससे बड़े बड़े जुर्म भी हो जाते हैं बड़े बड़े फायदे वाले काम भी हो जाते हैं वाहिद जबल रदिया फरमाते हैं रसूल रिशात फरमाया तमाम मामला असल इस्लाम है असल चीज चीजों चीजों में इस्लाम है जो कि दीन है हमारा अल्लाह का सच्चा दीन और इस्लाम का खम्बा इस्लाम का पिल्लर एक बड़ा अहम नमाज है और इस्लाम की छोटी अल्लाह के रास्ते में जिहाद है। हदीस है। उसके बाद नबी सलाम ने बयान फरमाया मैं इन तमाम चीजों की जड़ को ना बताऊं, किन चीजों की इस्लाम की नमाज की जिहाद की तमाम उमूर की जड़ तो बिन शबरदान फरमाते मैंने कहा जरूर बताइए अल्लाह के नबीम कि असल जड़ क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी जबान को थे, इशारा करते हैं। इसकी हिफाजत करो इसको रोक के रखो फाड़े कहा आधा इसको रोक के रखो क्या मतलब बुराई से गलत बयानी से झूठ से गिबत से तोहमत से गलत बयानी से इस जबान को रोक के रखो हर वो चीज जिससे अल्लाह नाराज होता है तो मैंने कहा अल्लाह के नबीम हम जो बोलते हैं जबान से बहुत कुछ बोलते हैं बहुत लोगों के बारे में बहुत चीजों के बारे में हम बोलते रहते हैं कि हमारे तमाम बोल इस पर हमें पकड़ होगी क्या हम जो बात करते हैं उस पर पकड़ होगी तो इसका जवाब देते हुए प्यारे नबी महम्मद अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया जहन्नम में सबसे ज्यादा लोग जो जाएंगे इसी जबान की वजह से जाएंगे एमआ सबसे ज्यादा जहन्नम में जो लोग फेंके जाएंगे दाखिल किए जाएंगे उसकी वजह यही जबान है इस अदीज़ को इमाम तिरमिज़ी तिर रिवायत किया है इसी अदीज को पेश नजर कर खतीब साहब ये मैसेज दे रहे थे कि आप जबान से कुछ भी ना बोलें जब तक कि आपको पता ना हो कि जो आप बोल रहे हैं वो सच है आपको यकीन है कि आप जो बोल रहे हैं वो सच है वो सही है और खबरों को सही जरा जिसे खबर आई अब यहाँ के बहुत खबरें आती हैं बहुत खबरें आती हैं

हाँ हामेद मिया बोलो हेल्थ से इश्यू भाई चाहे वैक्सीन आई या कोई और भी खबर तो अगर हेल्थ से सेहत से ताल्लुक रखने वाली खबर का सही सोर्स क्या है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अच्छा एक या दीगर चीजों से उससे ताल्लुक रखने वाले सोर्स उसके सोर्स नहीं है जबाजा हर एक का सोर्स होता है सही और यहां अगर कोई खबर आ... आपको बतानी है कि हम ये काम कर रहे हैं हमारा ये इस तरफ हमारी पेशरफ है ये काम वो खबर आपको पहुंचा दी जाएगी आप तक सही जराए से सही सोर से आप तक वो खबर पहुंचा दी जाएगी लेकिन होता क्या है जिसको उर्दू में बोलते हैं ना खबर की दुम ना टांग खबर आई है ना ऊपर टांग क्या नीचे टांग है ना ऊपर दुम है क्या बोलो मैं ऊपर नीचे कुछ भी नहीं बस एक आ गया अरबी में किसी ने बनाया भेज दिया इंग्लिश में किसी ने बनाया भेज दिया उर्दू में भेजा था हम ग्रुप के एडमिन से पूछो हाँ भाई ये कहां से नहीं मालूम भाई ऐसे सुने थे सुने थे नबीमेन वर्माते हैं आदमी के झूठा होने के लिए काफी है कफाबिल मरीबाई आदमी के झूठा होने के लिए काफी है कि वो बयान करता फिर जो जो वो सुन रहा जो सुनता है उसको बयान करता है जो सुनता है उसको बयान करता है किससे सुन रहा है बस किसी ने अरे गहरे ने कहा फुल्लान ने बता दिया उसने सुन लिया उसने फैला दी इसका कितना नुकसान होता है आपको पता है? कौन इसके जिम्मेदार है भेजने वाला फॉरवर्ड करने वाले आप आप मैं अगर मैं भेज दूं आपने मुझे भेजा मैंने कहा अच्छा ये भेजे हैं मैंने इनको भेज दिया ये मैं और ये हम सब जिम्मेदार हैं लिहाजा अल्लाह से डरें अपनी जबान की हिफाजत करें और गलत खबरों की तरफ ध्यान न दें या कान न लगाएं बल्कि सही सोर्स को देखें कोई भी खबर आती है लोगों को रोके मैं मैं तो कहता हूँ इसे खबरें फैल दी जाती है शायद यहाँ के बारे में या कहीं के भी बारे में हो दीनी हो दुनियावी खबरें हों लोग बहुत इस सिलसिले में जो है तकास से काम लेते हैं या क्या क्या लापरवाही बरतते हैं इसमें ऐसे नहीं होना चाहिए हम मुसलमान हैं मोमिन हैं अल्लाह रसूल को मानने वाले लोग हैं आखिरत पर ईमान ना वाले लोग हैं हम ऐसे तो नहीं होंगे कि ग्राउंड में बॉल जिसे रखा हुआ है कोई भी आ रहा है खेल रहा है कोई भी खेल रहा है नीचे पीछे उठाओ पैरों से खेलो पी, पीछे से खेलो आगे से खेलो वो बॉल है ऐसे ना बने भाई हम हम मोमिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक वकार है अल्हम्दुलिल्लाह एक ईमान है हमारे पास

या तो खुश करने वाली या तो परेशान करने वाली खबर यही होती ना। अमन या खौफ तो अल्लाह फरमाता है लोगों के पास जब कोई अमन वाली बात आई या कोई डर वाली बात आई फौरन उसको नशर कर देते हैं फौरन उसको फैला देते हैं तो इसकी तोबी अल्लाह ने डांटा ये नहीं करो बल्कि उस खबर की तहकीक करो आप वलील अमर या जिम्मेदार वक्त की तरफ उस खबर को पहुंचाओ नबीलाम तो की तरफ नबीम के जमाने में उस खबर को पहुंचाओ ताकि वो सही उसका इस्तेमाल करें वो उसकी तहकीक करें कि खबर सही है या नहीं है अगर सही है तो फैलाना चाहिए या नहीं फैलाना चाहिए क्योंकि हर खबर फैलाने वाली भी नहीं होती है मालूम होना चाहिए आपको खबर सही भी होती है लेकिन फैलाने से नुकसान होता है तो आपको हरी आपको आपको मिलेगा कि आपा मना करेंगे आपको जिम्मेदारान रोकेंगे कि इससे उम्मत को नुकसान हो सकता है क्योंकि ये हकीकत है सही है लेकिन इसको समझा गलत जा सकता है जिससे जो है लोगों का खराबा या लोगों की हलाकत या लोगों का नुकसान हो सकता है इसीलिए शायद इस में डराया गया बताया गया उन लोगों को जो खबरें फौरन बिना किसी तहकीक के फैला देते हैं ऐसे न किया करो लिहाजा मैं अपने लिए आपके लिए कहता हूं कि हम इस शायद पर अमल करें खबरें न फैलाएं और उसका सही सोर्स देखें सही सोर्स से ख़बरों को लेने की कोशिश करें आखिर में अल्लाह से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला मामला के तरबिया सऊदिया ने हमारे लिए मुसलमानों के लिए उम्मत के लिए अब से नहीं शुरू से जो भी ख़िदमत कर रहे हैं अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए अल्लाह इनको जजाय खैर फ़रमाए और अल्लाह तबारक वाली इनसे उम्मत को खैर ही खैर हो ये इनको अल्लाह तौफ़ी दे और उसके बाद अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताली हम सबको अपनी जबानों की हफाजत करने की तोफ़ी अता फ़रमाए अल्लाह तबारक वाली खबरों की तहकीक करने वाला बनाए और हम खैर पर रहें हम लोगों तक खैर पहुँचे अल्लाह हम सबको इसकी तोफीक दे शर से हम खुद बचें हमें बचा और हमारे जरिए लोगों में शर फैले और हमारे जरिए लोगों को शर हो अल्लाह इससे भी हम सबको महफूज रख आमीन वहरक